ठीक है, तो कल मैंने बताया था बेसिक कि वाटर टैंक हम किस तरह से बनाते हैं, प्लेट मॉडलिंग किस तरह से करते हैं और उनके लोड किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज अपन देखेंगे दोबारा प्लेट मॉडलिंग और एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक का हम डिजाइन करेंगे। तो उसमें अपने को बाहर से सोइल का प्रेशर लगाना पड़ेगा और अंदर से वाटर टैंक का प्रेशर लगाना पड़ेगा। फिर उसमें कंडीशन देखते हैं कि अगर टैंक अपना खाली हो तो क्या रिएक्शन आती है, टैंक अगर भरा हुआ हो तो क्या रिएक्शन आती है। तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आएंगे और स्टील भी दोनों का जैसे चेंज हो जाता है। तो एक तो दो कंडीशन लेंगे अपन, एक तो हो जाएगी अपनी खाली टैंक की और एक अपना फुल भरा हुआ टैंक की। ठीक है, तो खाली टैंक में क्या होता है, अपना स्टील जो है वो ज्यादा आता है क्योंकि एक तरफ से ही फोर्स लगा रहता है, दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं रहता, तो एक तरह से प्रॉपर कैंटिलीवर में हो जाता है, तो कैंटिलीवर में ज्यादा स्टील आता है। ठीक है, अगर अंदर पानी भरा हुआ है तो पानी उस रिएक्शंस को रोकेगा थोड़ा सा, तो स्टील थोड़ा सा कम आता है। तो हम दोनों कंडीशन में स्टील चेक करते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं, एक 3x5 का मैं वो बना लेता हूँ। ये अपना एक वाटर टैंक है, ठीक है, ये इसका सेक्शन है। ठीक है, प्लान की बात करें तो प्लान ये हो गया इसका इस तरह से। ठीक है, ये इसकी हाइट जो है वो 3.5 मीटर है। ठीक है, और ये इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है और विड्थ भी मान लेते हैं 3 मीटर। ठीक है, इस तरह के अपने को वाटर टैंक पहले स्टार्ट में बनाना है। तो सबसे पहले देखो 5 मीटर का है, तो ये मैंने 5 मीटर बना लिया। पहले मैं बीम बना लेता हूँ सबकी। ठीक है, बीम बनाने के बाद मैं उसको वो कर दूंगा, प्लेट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। जेड में मेरा 3 मीटर है, ये कर दिया, उन दोनों को मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया। वाई में 3.5 मीटर स्पेस कर दिया, हो गए अपने। ये होने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बीम भी क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरह का ये वाटर टैंक आ गया अपना। ठीक है, चारों तरफ और बॉटम में अपन इसके वॉल लगा देते हैं। तो वो कल मैंने बताया था प्लेट मॉडलिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ज्योमेट्री में जाके एड प्लेट और अपने को क्वाड प्लेट लेना है। तो 500 डायरेक्शन में अपन प्लेट क्रिएट कर लेते हैं पहले। एक ये होगी, दो होगी, चार, और ये लास्ट में ये वाली पांच प्लेट मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसमें जो बीम बनाई थी मैंने, बीम कर चले के बीम को सिलेक्ट किया और बीम को मैंने डिलीट किया, तो मेरा क्या रह गया, प्लेट प्लेट रह गया। यहाँ देखो प्लेट कर देते, सिलेक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, ये इसका 3D व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से वाटर टैंक आ गया अपना। ठीक है, अब इनको क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, मैंने बताया ही था। तो सारी प्लेट को एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, जनरेट प्लेट कर देंगे और 10-10 डिवाइडेड कर लेंगे उसमें, और कोऑर्डिनेटल मैच करना है। ठीक है, तो ये अपना कोऑर्डिनेटल मैच के अकॉर्डिंग जनरेट हो गया अपना प्लेट। ठीक है, 10 डिवाइडेड में टूट गया। अब इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जनरल में जाएंगे प्रॉपर्टी, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे थिकनेस। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो वर्टिकल बॉल्स हैं उनको कुछ इस तरह से अपन प्रॉपर्टी देंगे, रिटेनिंग बॉल की तरह, बॉटम में ज्यादा और टॉप में कम। लेकिन जो बॉटम वाली अपनी बॉल आएगी वो तो इक्वली रहेगी। ठीक है, तो यहां से मैंने ले लिया 0.25, 250 mm की बॉटम वाली दीवार मैंने ले ली, क्लोज कर दिया। ठीक है, फ्रंट से देखे मैं बॉटम वाली जो प्लेट है उसके ऊपर ये असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं थिकनेस ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखो नोड 1 2, 1 और 2, 1 और 2 पे मैं ले लेता हूँ 0.15, और 3 और इस पे ले लेता हूँ 0.25। ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया। इधर वाली इस प्लेट को सिलेक्ट कर लो। ठीक
ठीक है, सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम लोगों को असाइन कर देंगे, यस कर देंगे। अब इसका 3D व्यू देख लेते हैं अपन, ओनली इसी का देखेंगे जो अपन इसके ऊपर अप्लाई किया है, जो व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, इसका 3D व्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये अपन ने इसको ऑलरेडी काफी सारे डिवाइडेशन में तोड़ लिया था, तो इसने क्या किया, हर एक प्लेट पे ये सारी चीजें अप्लाई कर दी। लेकिन ये अब तरीका तो अपना गलत है, तो अपने को ये चीजें दोबारा बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये तरीका ही गलत हो गया हर एक प्रॉपर्टी में यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो जिगजैग शेप में होगी, इस तरह की तो अपनी बनती नहीं। ठीक है, तो इसको दोबारा बनाएंगे अपन। सुन हाँ, के करके तो नोट कर लेता हूँ, ट्रांसलेशन रिपीट। इसको लेके दोबारा ट्रांसलेशन रिपीट कर लेते हैं, जेड में 3 मीटर है, लिंक स्टेप किया, ओके। और ट्रांसलेशन रिपीट किया वाई में, 3.5 मीटर है अपना। ठीक है, इस तरह का बन गया। अब अपन इसके अंदर प्लेट बना लेते हैं। तो डायरेक्शन में अपन प्लेट बना ली। अब इसकी थिकनेस अप्लाई कर देते हैं यहीं पे। थिकनेस अप्लाई करने के बाद इसका क्या कर देंगे अपन, वो कर देंगे, जनरेट कर देंगे थिकनेस अप्लाई करने के बाद। ठीक है, मैंने प्लेट कर्सर लिया और फ्रंट से देख के जो बॉटम वाली प्लेट है मेरी, इस पे अप्लाई कर देता हूँ, और ये वाली मेरा ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी एक प्लेट को सिलेक्ट करो और उसका 3D व्यू देखो। तो 3D व्यू पे दिख रहा है बॉटम से ये 250 का है और टॉप से ही 150 mm का है। ओके, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद अब इसको क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल प्लेट, जनरेट प्लेट मैश, 10 डिवाइडेशन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेटल मैच कर लेते हैं। ठीक है, अब अपनी जो प्रॉपर्टी अप्लाई किया था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम कर दिया इसने तो। तो इसमें ऐसा इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, आधे आधे प्लेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ये वाली जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर 0.15 की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, और ये जो प्लेट आएंगी फिर नीचे वाली इनके ऊपर 250 mm की वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से कर देता हूँ मैं, ये मैंने असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, यस। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लेता हूँ थिकनेस में। इतने में मैंने असाइन टू सिलेक्टेड की 150 mm की प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। इसमें इस तरह से करके अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो इसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, नीचे अपने बॉटम की
तो मैं आपको इस चीज की ड्राइंग भी दिखा देता हूँ कि भाई रेक्टेंगुलर का जो वो होता है किस तरह का होता है। तो ये इस तरह का है अपना, ये जो वाटर टैंक बना रहे हैं ये इस तरह का है। टॉप में मेरा 250 है और बॉटम में 500 का है। ठीक है, अभी अपना काफी छोटा है, ये तो काफी बड़ा है इसलिए मैंने ज्यादा ले रखे वॉल थिकनेस। तो इसमें क्या किया, ग्राउंड से ऊपर का जो हिस्सा है उसको तो मैंने मान लिया था 250, और ग्राउंड से नीचे का जो हिस्सा है उसको मैंने 500 का मान के फिर इसको मैंने डिजाइन किया। ओके, इसमें भी देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे आने के बाद ये जो वॉल है ये सीधी आ रही है, यहाँ तक मैंने इसको इंक्लाइन लिया और इसके बाद इसको बिल्कुल सीधा ले लिया। यहाँ पे इस तरह से अपन बना के और फिर से मॉडलिंग करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अपना बन गया। बनने के बाद अपन करेंगे इसमें सपोर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट लगाने के लिए जो अगर ये जमीन के ऊपर रखा हुआ है तो इसके ऊपर फिक्स सपोर्ट तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि फिक्स सपोर्ट में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिक्स का मतलब किसी कंक्रीट के दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये जमीन के ऊपर रखा हुआ है तो हिल डुल भी सकता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फाउंडेशन सपोर्ट यूज करेंगे। ठीक है, और फाउंडेशन सपोर्ट अप्लाई होती है प्लेट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखो फाउंडेशन सपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, फाउंडेशन सपोर्ट में एक तो फिक्स लेंथ और विड्थ डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर फिक्स लेंथ विड्थ नहीं डालना है, ज्यादातर अपने को क्या करना है, फिक्स लेंथ विड्थ नहीं डालना 95 केसेस में। यहाँ पे अपने को देना है कि प्लेट मैट है या इलास्टिक मैट है, भाई ऊबड़ खाबड़ जमीन है या बिल्कुल रोलर से कंप्रेस किया हुआ सरफेस है। ठीक है, तो ज्यादातर अपना इलास्टिक मैट ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा लोड अप्लाई, ओनली वाई में जाएगा। और यहाँ पे जो सोइल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वहाँ यहाँ पे अपने को ऐड करना होगा। तो सोइल का जनरली अपना जो आता है वो 25,000 के लगभग आता है। ठीक है, नॉर्मली 25 से 30 के बीच में आता है, तो यहाँ पे 25 ले लिया और यहाँ पे मैंने वाई ओनली करके नन पे क्लिक कर देंगे एंड देन ऐड कर देंगे। फाउंडेशन सपोर्ट मेरी ऐड होगी, बॉटम की जो प्लेट है उसको मैंने सेलेक्ट किया, बॉटम की जो प्लेट है उसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया असाइन। ठीक है, तो ये होगी अपनी फाउंडेशन सपोर्ट नोड के ऊपर अप्लाई। ठीक है, अब चलते हैं लोड की बात। तो लोड में सबसे पहले जाएंगे अपन, इसका लोड ऐड करेंगे सल्फेट का। सल्फेट में ऐड कर लेता हूँ और सल्फेट को मैंने असाइन टू कर दिया। दूसरा मैं लोड केस बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा वाटर का। अब वाटर का अपने चार डायरेक्शन में लगेगा, एक तो एक्स में लगेगा, एक्स के बाद माइनस एक्स में लगेगा, फिर जेड में लगेगा और जेड के बाद लगेगा माइनस जेड। ठीक है, फिर सोइल का, सोइल का भी अपने सॉरी एक माइनस वाई में और लगेगा, पांच डायरेक्शन में लगेगा, और सोइल का भी अपन पांच डायरेक्शन में लगेगा। पॉजिटिव वाई। ठीक है, ये सारे लोड केस में लगा लेता हूँ। पहले मैंने लोड केस बना लिया, अब इसके अंदर लोड की वैल्यू डालो। ठीक है, तो कल मैंने कैलकुलेट करना बताया था कि वाटर का प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था के ए इंटू रो एच, हाइट कितनी है अपनी 3.5। ठीक है, के ए मैंने बता ही दिया था 1 - sin π / 1 + sin π, और रो जो अपनी होगी वो डेंसिटी होगी, कोई भी मटेरियल हो, वाटर है तो वाटर की 10 के लगभग आती है, सोइल है सोइल की अपनी 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब डेंसिटी आती है। ठीक
है, इस तरह से वाटर का और सोइल का दोनों का प्रेशर कैलकुलेट कर लेना। सोइल का और वाटर का दोनों का सेम ही होगा, बस के ए की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन फाई, ये जो वैल्यू आएगी तो इसमें फाई की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। सोइल के लिए 30 हो जाएगी और वाटर के लिए अपना 0 हो जाता है, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो सोइल के लिए 30 डिग्री मानते हैं, 25 to 30 डिग्री मानते हैं, और वाटर जो है उसका अपन 0 लेके चलते हैं, क्योंकि वो उसका कोई रेस्ट, वो किसी एंगल पे रेस्ट नहीं करता, वो जमीन पे डालते हैं पूरा का पूरा 0 एंगल पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप वाटर और सोइल का प्रेशर कैलकुलेट करके अब इसके अंदर किस तरह से अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स में, एक्स की बात करें तो टॉप से देखें तो ये अपना दो डायरेक्शन होगी, ये एक्स हो गई और ये जेड हो गई। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव एक्स की, पॉजिटिव एक्स के अंदर वाटर का मेरे को प्रेशर लगाना है तो मेरा पानी जाएगा इधर, मतलब मेरे को जो किस वॉल पे लगाना है प्रेशर लगाना है वो इस वॉल पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, मैंने ऐड किया और यहाँ पे जाता हूँ प्लेट लोड पे और फिर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स पे सेलेक्ट प्लेट किया। अब पॉजिटिव एक्स है तो यहाँ पे देखो मेरे, मैंने टॉप से देखा, टॉप से देखने के बाद ये वाली दीवार है इसके ऊपर लोड अप्लाई करना है, क्योंकि लोड मेरा इधर से आएगा। डन किया, डन करने के बाद हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है वो क्या होता है, ट्रेंगल शेप में लगता है, इस तरह से लगता है, मतलब टॉप में कम लगता है और फिर बॉटम में ज्यादा होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरे को टॉप में थोड़ा सा कम ले लेता हूँ और बॉटम में मैं प्रेशर ज्यादा ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो डब्ल्यू वन है वो बॉटम का है तो मैंने ले लिया -14 kN का, और डब्ल्यू टू है वो मैंने ले लिया, सॉरी पॉजिटिव का लेना अपने को क्योंकि पॉजिटिव एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है इंटरपोलेशन एक्सिस। इंटरपोलेशन एक्सिस जैसे मैंने बताया था रोटेट, कि भाई किसी एक पॉइंट को पकड़ के, जैसे सर्किल का एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, अगर मैं इसको इस पॉइंट से पकड़ के इस तरह से रोटेट करूंगा तो ये लाइन यहाँ तो फिक्स रहेगी और इससे रोटेट होगी। इसी तरह से क्या होता है, अपने को लोड अप्लाई करना होता है, किसी एक पॉइंट को पकड़ के किसी भी एक डायरेक्शन में अप्लाई करो। जैसे मैंने ये टॉप से देख रहा हूँ तो ये जो पॉइंट है ये वाई डायरेक्शन में हो गया, अगर मेरे को इधर से लोड लगाना है तो मैं वाई को पकड़ के और इधर लोड लगा सकता हूँ, जेड में लोड लगाना है तो भी मैं वाई को इंटरपोलेशन एक्सिस मान के जेड में अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे इंटरपोलेशन एक्सिस वाई मान लिया और लोड लगाना है मेरे को ग्लोबल एक्स। सर्कुलर वाटर टैंक के लिए मैंने लोकल जेड बताया था, लेकिन उसमें क्या होता है प्लेट को वो मान लेता है कि उसकी जो उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन सेट होती है वो ऑटोमेटिक सेट कर देता है, लेकिन अभी तो अपने को इसमें पता है एक्जेक्ट डायरेक्शन पता है तो अपन इसमें ग्लोबल एक्स मिलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एक्स की बात करें तो ग्लोबल एक्स में ले लिया, ऐड कर दिया, देन क्लोज कर दिया। अब देखो इसकी इस प्लेट के ऊपर लोड अप्लाई हो गया है इजिली। ठीक है, अब नेगेटिव एक्स की बात करें तो यहाँ से जब मैं टॉप पे देख रहा हूँ तो लोड अपना जाएगा इधर, पॉजिटिव में तो इधर जाएगा, नेगेटिव में इधर जाएगा। ठीक है, तो लोड अपना इधर जाएगा, लोड इधर जाएगा तो कौन सी वाली दीवार पे टकराएगा, इस वाली पे। ठीक है, तो मेरे को जो दीवार सेलेक्ट करनी है ये वाली करना है। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव एक्स का लिया मैंने और यहाँ पे गया प्लेट लोड में, प्लेट लोड के बाद हाइड्रोस्टेटिक फोर्स और सेलेक्ट प्लेट किया, प्लेट कौन सी वाली सेलेक्ट करनी है मेरे को, ये वाली प्लेट को सेलेक्ट किया, डन कर दिया। ठीक है, लोड जितना इसका लिया था उतना इसका ले लेंगे। अब इसमें नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव एक्स की बात कर रहे हैं अपन, इंटरपोलेशन एक्सिस वो ही वाई रहेगा और ग्लोबल एक्स की बात करेंगे तो ग्लोबल एक्स रहेगा, ऐड कर दिया देन क्लोज कर दिया। इस प्लेट के ऊपर लोड अप्लाई हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल जेड की। तो ग्लोबल जेड में सबसे पहले देखो अभी अपना बात करते हैं कि भाई लोड जेड की डायरेक्शन में जाएगा। अब पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में इधर जाएगा और नेगेटिव में इधर जाएगा। अब पॉजिटिव है तो अपना लोड आ जाएगा इधर, मतलब अपने को जो दीवार सेलेक्ट करनी पड़ेगी ये वाली दीवार सेलेक्ट करनी पड़ेगी।
ठीक है, पॉजिटिव जेड में गया, ऐड किया एंड प्लेट लोड, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, और प्लेट को मैंने सिलेक्ट किया, ये वाली प्लेट सिलेक्ट करना था मेरे को, डन किया, पॉजिटिव है वाई एंड ग्लोबल जेड, ऐड कर दिया देन क्लोज कर दिया। तो इसके ऊपर अपना मैंने प्लेट गलत सिलेक्ट कर दिया क्योंकि वो तो इधर आएगा, ये वाली प्लेट सिलेक्ट होनी चाहिए थी अपनी एक्चुअल में, ठीक है। तो चेंज कर देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सारे हैं इसको डिलीट कर देते हैं दोबारा, ठीक है। स्टाइल एडिटर में जाके मैं इसको सही कर लेता हूँ, इसके जो लोड केस गलत हो गए, नाम इसके गलत से हो गए, वन टू थ्री, और लोड केस मैंने फोर बनाना है, ठीक है। लोड केस फोर ये वाला रहेगा अपना, लोड केस नंबर डाल देता हूँ मैं फोर, ठीक है, और ये रहेगा मेरा पॉजिटिव, इसको मैंने यहाँ पे ऐड करके इसको क्लोज किया, यस कर दिया, ठीक है। तो मैंने जो डिलीट किया था वो आ गया यहाँ पे, अब ऐड करते हैं। प्लेट लोड में गया, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स सेलेक्ट प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोबारा कि पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव अपना इधर आएगा, मतलब अपने को ये वाली प्लेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिव के लिए अपने को ये वाली प्लेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी अपना पॉजिटिव लोड है तो पॉजिटिव के लिए ये वाली प्लेट सिलेक्ट किया, डन किया, और 14 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन इंटरपोलेशन एक्सिस वाई और ग्लोबल जेड में मान के ऐड कर दिया, देन क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर इजीली अप्लाई हो गया। अब नेगेटिव जेड की बात करते हैं, प्लेट लोड, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, सेलेक्ट प्लेट, ये वाली प्लेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन किया। माइनस 14 किलो न्यूटन क्योंकि नेगेटिव का है, ठीक है, और माइनस 1 किलो न्यूटन इंटरपोलेशन एक्सिस वाई और ग्लोबल जेड के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, देन क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। अब पॉजिटिव वाई की बात करें तो पॉजिटिव वाई अपना जो लोड आएगा वो टॉप से इस तरह से आएगा, सॉरी नेगेटिव वाई, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा तो अपने को जो प्लेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी वो बॉटम वाली प्लेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब बॉटम वाली प्लेट किस तरह से सेलेक्ट करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं फ्रंट से देखूंगा तो बॉटम वाली प्लेट दिखेगी और मैं बॉटम वाली प्लेट सेलेक्ट कर सकता हूँ इजिली, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे वाई में गया, प्लेट लोड और हाइड्रोस्टेटिक फोर्स सेलेक्ट प्लेट करूंगा, प्लेट सेलेक्ट करने के बाद मैं फ्रंट से देखा और ये वाली प्लेट में सेलेक्ट कर देता हूँ, डन किया। माइनस 14 और माइनस 14 क्योंकि दोनों डायरेक्शन में इक्वल इक्वल लोड पड़ेगा। इंटरपोलेशन एक्सिस इसमें क्योंकि ये लोड खुद ही वाई में अप्लाई हो रहा है तो इसका इंटरपोलेशन एक्सिस वाई नहीं हो सकता, कोई और लेंगे या तो एक्स ले लो या जेड ले लो, दोनों में से एक ले सकते हैं कोई भी, ऐड कर देता है, क्लोज कर देता है, तो वाई के ऊपर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से अपन सोइल का लोड अप्लाई करेंगे तो सोइल का किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जाएंगे सोइल में, एक्स का है, ठीक है। अब सोइल का तो प्रेशर लगेगा वो बाहर से लगेगा, ये मैं टॉप से देख लेता हूँ इसका, सोइल का प्रेशर बाहर से इधर एक ये लगेगा, चारों तरफ प्रेशर लगेंगे। इसका मैंने ये एक्सिस बना लिया, ये तो हो गया एक्स और ये हो गया जेड, ये पॉजिटिव, सॉरी इस तरह से नहीं आएगा, ये एक्सिस इस तरह से आएगा जेड एक्स, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव जेड और ये नेगेटिव एक्स, चार डायरेक्शन होगी। अभी अपने बात करते हैं सबसे पहले इस लोड की, पॉजिटिव एक्स मतलब वो इस तरह से इस डायरेक्शन से अप्लाई होगा, ठीक है। तो अपने को जो प्लेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी पॉजिटिव एक्स के लिए, ये वाली प्लेट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वो वाली प्लेट में टॉप से देख के सेलेक्ट कर सकता हूँ। इससे पहले क्या करते हैं, सारे लोड एक साथ ऐड कर लेते हैं, प्लेट लोड में गया, प्रेशर ऑन फुल प्लेट,
सोइल का प्रेशर रहता है वो पूरी पूरी प्लेट पे सेम रहता है, तो मैंने यहाँ पे प्रेशर ऑन फुल प्लेट पे यूज करके ले लेता हूँ, -10 किलो न्यूटन का मान लेता हूँ अपना जो पॉजिटिव एक्स में आ रहा है, तो माइनस का नहीं मानेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव बात है, तो पॉजिटिव मानेंगे। और लोड अप्लाई हो रहा है मेरा ग्लोबल एक्स में, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया, देन क्लोज कर दिया, यहाँ से भी मैंने ऐड किया, और प्लेट लोड प्रेशर ऑन फुल प्लेट -10 किलो न्यूटन का, तो ये नेगेटिव है, ग्लोबल एक्स में ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया, ग्लोबल जेड है, प्लेट लोड प्रेशर ऑन फुल प्लेट 10 किलो न्यूटन और ग्लोबल जेड करके ऐड कर दिया। फिर सोइल नेगेटिव डायरेक्शन में, जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में प्लेट लोड -10 किलो न्यूटन और ग्लोबल जेड में करके ऐड कर दिया। सोइल का बॉटम से आएगा तो बॉटम से पॉजिटिव का आएगा अपना, ठीक है, यहाँ से प्लेट लोड 10 किलो न्यूटन ग्लोबल वाई ऐड क्लोज, ठीक है, अभी अप्लाई करते हैं। सोइल का एक्स एक्स वाली डायरेक्शन के लिए मैंने टॉप से देखा, और टॉप से ये इधर आएगा अपना लोड, ठीक है, इधर आएगा या इधर आएगा, ये वाली प्लेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी अपने को, ये वाली प्लेट सिलेक्ट करने के बाद असाइन टू सिलेक्टेड यस कर दिया, ठीक है, तो ये बाहर से अप्लाई हो रहा है इस दीवार के ऊपर, ठीक है, नेगेटिव के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया और असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, सोइल जेड की बात करें तो पॉजिटिव जेड इधर जाएगा, तो ये वाली प्लेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सोइल नेगेटिव वाला असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट असाइन करा दिया। ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ पे इसको असाइन नहीं कराना, पहले इसको असाइन कराना है, ये है सोइल का, इस वाली प्लेट पे सिलेक्ट किया, ये मैंने असाइन कर दिया, और ये वाला मेरा इस प्लेट पे असाइन होगा, ठीक है। वाई की बात करें तो मैं फ्रंट से देखूंगा इसको, फ्रंट से देखने के बाद ये बॉटम का मैंने सिलेक्ट किया और असाइन करा दिया, ठीक है, अब सारा एक साथ स्ट्रक्चर देख के पूरे लोड देख सकते हैं, इधर से लग गया, इधर से लग गया, इधर से लग गया, और इधर से लग गया, और ये बॉटम से लग गया, ठीक है, सारे लोड अप्लाई कर दिया। अब बॉटम में क्या किया था अपन ने, फाउंडेशन सपोर्ट अप्लाई कर दिया था, तो बॉटम से अपने को सोइल का प्रेशर लगाने की रिक्वायरमेंट, ओके, ये सारे लोड केस अपने अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद अब इनका बनाएंगे कॉम्बिनेशन, अपने इसमें दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक एमपीटी वाटर टैंक और एक फुल वाटर टैंक, ठीक है। लोड केस डिटेल पे मैंने सबसे पहले बताया ही था कि अपना जो है लोड कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाते हैं, लोड केस डिटेल पे गया, ऐड करूंगा, और यहाँ पे डिफाइन है कॉम्बिनेशन, एक तो एमपीटी का बना लेता हूँ। एमपीटी में क्या रहेगा, सल्फेट रहेगा और सोइल का वेट रहेगा, क्योंकि पानी तो है नहीं उसके अंदर, तो पानी का वेट नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऐड कर दिया, देन क्लोज कर दिया। दूसरा रहेगा मेरा फुल वाटर टैंक, फुल टैंक में क्या रहेगा, सल्फेट भी रहेगा, वाटर का भी रहेगा और सोइल का भी रहेगा, लेकिन ये वाले कॉम्बिनेशन को मत ले लेना क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोइल का ऐड है, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन बना के मैंने ऐड कर लिए, बन गया अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये फुल वाटर टैंक है, ये एमपीटी वाटर टैंक है। एमपीटी वाटर टैंक में क्या होगा, पानी का फोर्स नहीं लगा हुआ, तो अंदर से कोई फोर्स नहीं लगा हुआ। फुल वाटर टैंक में अंदर से भी लगा हुआ है और बाहर से भी लगा हुआ है,
ठीक है, तो दोनों कंडीशन से अपन क्या करते हैं, कोई भी टाइम टी कॉर्नर स्ट्रेस चेक करता है, और कॉर्नर स्ट्रेस चेक करने के बाद बुक के फॉर्मूले से अपन उसका रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आरसीसी बुक उठा लेना, उसमें से कॉर्नर स्ट्रेस लेके और पर मीटर का अपन इसमें रीइंफोर्समेंट एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो चैप्टर आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि स्टैट का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आता, और बताऊंगा किस तरह से अच्छा नहीं आता। सारी लोड अप्लाई करने के बाद पहले अपन रिजल्ट देख लेते हैं, एनालिसिस एंड प्रिंट कमांड देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे, देन क्लोज कर देंगे। डन कर दिया। ठीक है, अब इसका अपने को रिजल्ट देखना है पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके, अप्लाई देन ओके। ठीक है, इसका पेंडिंग मोमेंट बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है, तो इसको कंट्रोल को दबा के और तो इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जो इसके डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन बन रही है वो इस तरह से बनेगी। फिर इसके रिएक्शन की बात करें तो बॉटम में कोई भी एक नोड को सिलेक्ट करके और व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली कर सकते हैं, उसके रिएक्शन देख सकते हैं वाई में कितने रिएक्शन आ रही है। ठीक है, जिससे क्या होगी, अपनी डेप्थ ऑफ फुटिंग आ रही है वो आप पता कर सकते हैं कि सेफ है या नहीं है। फिर प्लेट की बात करें तो प्लेट में अपने को देखना होगा कॉर्नर स्ट्रेस, और यहाँ पे सबसे पहले अपने को सिलेक्ट करना होगा कौन से कॉम्बिनेशन से आप देखना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं एमपीटी से देख लेता हूँ, और कॉर्नर स्ट्रेस देखते हैं अपन दो डायरेक्शन में, एमएक्स लोकल और एमएक्स एमवाई लोकल, एमएक्स लोकल और एमवाई लोकल, दो डायरेक्शन में अपन इसका कॉर्नर स्ट्रेस देख के आरसीसी की जो बुक है बीसी कुंडमिया की, उसमें से फॉर्मूले लेके और डायरेक्ट डिजाइन कर सकते हो, एक ही फॉर्मूले से डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, देन ओके कर देते हैं, और पूरा स्ट्रक्चर एक बार ले लो यहाँ पे, इसमें पता लग जाएगा कि क्रिटिकल कंडीशन कहाँ, कॉर्नर पे क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है अपनी, यहाँ पे जहाँ पे रेड जोन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फुल वाटर टैंक की, तो फुल वाटर टैंक में जो टॉप वाले कॉर्नर है वहां पे अपना जो स्ट्रेस है वो ज्यादा आ रहा है, लेकिन 3.49 नहीं आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, फुल के अकॉर्डिंग तो, लेकिन जब खाली रहता है अपना टैंक, खाली में तो बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अपन जो डिजाइन करेंगे इसमें रीइंफोर्समेंट देंगे वो एमपीटी वाटर टैंक के अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि बाहर से सोइल का प्रेशर ज्यादा आ रहा है और अंदर कोई सपोर्ट है नहीं। अब जब अंदर कोई सपोर्ट है नहीं तो ये अंदर की तरफ इसको झुका दे रहा है। ठीक है, ओके, कॉर्नर स्ट्रेस देख लोगे सब लोग। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि भाई स्टैंड में इसका डिजाइन क्यों नहीं करते, रीइंफोर्समेंट डिजाइन स्लैब का, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो इसमें क्या कर रखा है अपन ने, देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो बार आ रहे हैं अपने हॉरिजॉन्टल बार है, अंदर वाले फेस पे मैंने 120 दे रखा है, बाहर वाले फेस पे 150 mm दे रखा है, लेकिन ये जो स्टैड है, स्टैड क्या करेगा, अगर अंदर वाले फेस पे भी 120 आ रहा है तो वो क्या करेगा, बाहर वाले फेस पे भी 120 ही स्पेसिंग अपने को देगा, इसलिए अपन इस स्टैंड में डिजाइन नहीं करते। फिर क्या कर रखा है मैंने कि भाई यहाँ ये जो हिस्सा है यहाँ से और यहाँ तक का ये हिस्सा है, इतने हिस्से में क्या रीइंफोर्समेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, फिर ऊपर जाके रीइंफोर्समेंट की रिक्वायर्ड हमें कम हो जाती है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो अपन क्या करते हैं इसको बुक के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करते हैं। ओके, किसी को डाउट है, आईफोन आईफोन आवाज आ रही है, आयुष आयुष